हमारी लड़ाई उड़ीसा की अस्मिता के लिए है। नवीन बाबू हों या नवीन बाबू पांडियन जी हों, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हों या इनके जो स्टेट लीडर्स हैं, उन्होंने पूरा प्रदेश को बेच दिया है। बाहर के लोग आ रहे काम कर रहे हैं, बाहर के माइनिंग कंपनी से पूरा उड़ीसा का संपत्ति लूट रहे हैं। कोई लोकल लोग को किसी तरह का जो है ना, तो किसी को कंपनी बिठा रहे हैं ना, नौकरी बच्चे लोग की हो रही है, सब बाहर के लोग हैं। पांडियन जी को उसको देख लो, फिर ये जो है बिरबल बरबिल में जो है कंपनीज को देख लो, केओंझर में जिस तरह से लूट रहा है, फिर सुंदरगढ़ में लोग को भगा दिया है माइनिंग में। तो इसलिए पान भी मैं, हमारा इतना ही कहना है कि उड़ीसा इतना सुंदर प्रदेश है, उड़ीसा तो उड़ीसा के लोग के लिए होना चाहिए ना। ये IAS ऑफिसर्स हो, कमिश्नर्स हो, ये सब, ये जो पांडियन जी जिस तरह से बाहर के से पूरा तमिल कॉन्ट्रैक्टर भर गया पूरा प्रदेश में, उड़ीसा में पूरा तमिलनाडु से आ रहे हैं, सब चीज़ तमिलनाडु के लोग ले जा रहे हैं, बिजनेस भी तमिलनाडु, माइनिंग भी तमिलनाडु, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी तमिलनाडु। और फिर ये बाहर के लोग नेता आते हैं और फिर अपने आप को ज्ञान देते हैं। तो नवीन बाबू हो या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं, वो उड़ीसा के लिए हानिकारक हैं।